तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके पहले वाले क्लास में हमने ऑप्शन चेन को बेसिक से सीखा था। आज हम थोड़ा एडवांस लेवल पे सीखेंगे कि लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग लिक्विडेशन, ठीक है, पीसीआर वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका क्या हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले जो कल हमने क्लास लिया था उसको एक बार रिवाइज हम लोग करेंगे, रिवाइज करने के बाद ही, ठीक है। यहाँ पर आते हैं एक बार, देखें रिकॉर्डिंग चालू कि नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है, वापस आते हैं। तो चलिए देखो, ऑप्शन चेन का डेटा देखने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, यहां पर टाइप करना है, ठीक है, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन या फिर निफ्टी ऑप्शन चेन, इस तरीके से डालेंगे आप। तो एनएससी इंडिया की वेबसाइट आपको ओपन करना है। ऑप्शन चेन आपको सेंसिबल पे भी देख सकते हैं आप, ठीक है, और भी तमाम वेबसाइट हैं जहां पर आप ऑप्शन चेन के डेटा को रीड कर सकते हैं, लेकिन हम जो सीखने वाले हैं वो एनएससी इंडिया के वेबसाइट पे हम ऑप्शन चेन को रीड करना सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पुराना है तो हमने यहीं से सीखा हुआ है, तो ये थोड़ा आसान होगा सीखने के लिए। और जब आप इसको ओपन करोगे थोड़ा आपको आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, लेकिन जब हम सिखा देंगे आपको तो आसान लगना शुरू करेगा, आसान लगना हो जाएगा आपके लिए। तो सिंपल क्या करना है, इस तरीके से आना है, इस वेबसाइट पर आना है आपको। यहाँ पर ओपन करोगे तो इस तरीके से आपको डेटा मिल जाएगा, इस डेटा को आपको रीड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने चार्ट को रीड करना सीखा प्राइजेक्शन के हिसाब से, ठीक है। चार्ट को रीड आप दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस या फिर किसी इंडिकेटर की मदद से, टेक्निकल टूल्स की मदद से। तो हमको इंडिकेटर, टेक्निकल टूल्स पे ध्यान नहीं देना है, हमको टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान देना है। टेक्निकल एनालिसिस आप प्राइजेक्शन की मदद से कर सकते हैं, और प्लस हमको यहाँ पर OI डेटा को रीड करना है। ये दोनों चीज़ को जब भी कभी मैच हो जाएगा तो समझ जाना कि उस दिन ऑप्शन बायर का दिन है और मार्केट में एक बढ़िया मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो हमको ऑप्शन चेन पे पहले डिपेंड नहीं रहना है, हमको रहना है पहले प्राइस एक्शन पे, क्योंकि प्राइस पहले मूव करेगा उसके बाद डेटा बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको ऑप्शन चेन के डेटा को रीड करना है। और ऑप्शन चेन के डेटा को हमें क्यों रीड करना है, क्या जरूरत है इसकी, तो ऑप्शन चेन एनालिसिस से हम दो चीज़ पता कर पाएंगे। पहला है मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तीन तरह के डायरेक्शन होते हैं। पहला होता है बुलिश डायरेक्शन, ठीक है, बुलिश मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगा। दूसरा होता है बेरिश डायरेक्शन, इसका मतलब मार्केट नीचे आएगा। तीसरा होता है मार्केट साइडवेज में रहेगा, ठीक है, मार्केट साइडवेज में रहेगा मतलब एक रेंज क्रिएट करेगा। तो ऑप्शन चेन से ये तीनों डायरेक्शन आप पता कर सकते हो, बुलिश है, बेरिश है कि साइडवेज है। बुलिश रहेगा तो बाय ऑन डिप करते हुए जाना है, बेरिश रहेगा तो सेल ऑन राइज करते हुए जाना है, साइडवेज मोमेंटम रहेगा तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ट्रेड करेंगे या फिर ट्रेड नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे मार्केट रेंज को ब्रेक करे या फिर ब्रेक डाउन करे, ठीक है। तो ऑप्शन चेन से हम ये पहला पता करेंगे। दूसरा हम ये पता करेंगे कि मेजर रेजिस्टेंस क्या है, इसका मेजर सपोर्ट क्या है, क्लियर हुआ। ये दो चीज़ हमें ऑप्शन चेन से पता चलेगा, चाहे आप पीसीआर वैल्यू से भी हमें ये पता चलेगा मार्केट का डायरेक्शन क्या रहेगा, बुलिश रहेगा बेरिश रहेगा, ठीक है। जस्ट ध्यान देना कि ऑप्शन चेन जो है एनालिसिस में जो ये डेटा आपके सामने आता है जस्ट एक स्क्रीनशॉट की तरह रहता है, ठीक है, ये हर 3 मिनट पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। एनएससी इंडिया के वेबसाइट पे लगभग लगभग हर 3 मिनट पे ये चेंज होता है, ठीक है। तो कभी भी जब यहाँ पर विजिट करेंगे आप, तो एक चीज़ यहाँ पर है, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको जब भी आप विजिट करो। जैसे पहले अगर आप चार्ट पे हैं, आप चार्ट को देख रहे हैं, चार्ट को एनालिसिस कर रहे हैं, फिर एक बार ऑप्शन चेन देखना है लाइव मार्केट में आने के बाद आपको एक बार इस तरीके से रिफ्रेश करना है। इस तरीके से कुछ इंटरफेस रहेगा इसका। यहाँ पर आप किसी भी इंडेक्स का, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी का आपको डेटा मिल जाएगा। यहाँ पर जो लिखा है सेलेक्ट, यहाँ पर आपको मिल जाएगा किसी भी स्टॉक का ऑप्शन चेन का डेटा मिलेगा, ये नज़दीकी एक्सपायरी है, या फिर एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का आप ऑप्शन चेन का डेटा देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर निफ्टी, फिर निफ्टी का डेटा देख सकते हैं, तो हमें बैंक निफ्टी का देखना है। आप यहाँ पर जितने भी स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर सकते हैं उसका यहाँ पर लगा हुआ है, सब लिस्ट है। किसी भी क्या एक आप यहाँ पर ऑप्शन चेन का डेटा देख सकते हैं, जैसे सिप्ला का हमने लगा दिया तो सिप्ला का यहाँ पर डेटा आ गया है, ठीक है। इसके बाद ये नज़दीकी एक्सपायरी है, जो नज़दीकी एक्सपायरी हमारी 27 अप्रैल की है सिप्ला में। अगर हम बैंक निफ्टी के देखेंगे तो हमारा कल की एक्सपायरी जो है 6 अप्रैल को है। इस तरीके से हम इसको रिफ्रेश करेंगे और डेटा आपके सामने मिल जाएगा। एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का भी आप ऑप्शन चेन का डेटा देख सकते हैं। जैसे हमको 40,000 का स्ट्राइक प्राइस का देखना है तो 40,000 के स्ट्राइक प्राइस पर आपको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। तो हमको क्या करना है, एकदम सिंपल इसको करना है, जितना आसान करेंगे उतना हमारे लिए आसान रहेगा। हमको क्या करना है, बैंक निफ्टी का देखना है तो बैंक निफ्टी का, निफ्टी का देखना है तो निफ्टी का, फिर निफ्टी का देखना है तो फिर निफ्टी का, बस। और नज़दीकी एक्सपायरी यहाँ पर लगा रहेगा, रिफ्रेश कर देंगे, ऑटोमेटिक ये ले लेगा। इसके बाद नीचे पूरा डेटा आपको रीड करने के लिए मिलेगा, नीचे आएंगे, ठीक है। अब इसको अब बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि कैसे समझेंगे इसको ऑप्शन चेन को रीड करेंगे। ये कॉल साइड का डेटा है, ये पुट साइड का डेटा है,
ठीक है। अब इधर इधर पूरा कॉल साइड का है, इधर पुट साइड का है। इसमें आपको दिख रहा होगा ये डार्क वाला पोर्शन दिख रहा होगा, थोड़ा डार्क है, ये थोड़ा व्हाइट पोर्शन है पूरा, इधर व्हाइट पोर्शन है, ये डार्क पोर्शन है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हमको सीखना क्या है, वाई सीखना है, चेंज इन वाई सीखना है। इसके बाद फिर ये एलटीपी और चेंज, ठीक है। एलटीपी मतलब कि अभी जो मार्केट बंद है, हम अभी रात में इसको एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे लास्ट ट्रेड प्राइस। जब ये लाइव मार्केट में चल रहा होगा तो लेटेस्ट ट्रेड प्राइस, जो ये प्रीमियम होता है, ठीक है, किसी एक स्ट्राइक प्राइस का, उसमें प्रीमियम में कितना चेंजेस आया हुआ है, ये चेंज इन प्राइस। तो ये इन्हीं चार चीज से ही हम पता कर पाएंगे कि मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट बिल्डअप है, शॉर्ट कवरिंग है, लॉन्ग लिक्विडेशन है। इधर पुट साइड में डेटा आएगा, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन, ठीक है, इसके बाद फिर एलटीपी, चेंज इन प्राइस जो है, ये चार ही चीज से हमको यहाँ पर रीड करना है। बाकी यहाँ पर सीखने के लिए बहुत है, जैसे वॉल्यूम है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है, इसके बाद ये मार्केट डेप्थ हो गया आपका। मार्केट डेप्थ तो हमारे कोई काम का चीज नहीं है, हमको यहाँ पर एनालिसिस नहीं करना है। ट्रेडिंग को जितना आसान बनाएंगे ताकि लाइव मार्केट में हम उसको समझ पाए, ठीक है। अगर इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, सीखने के लिए तो बहुत है, ठीक है। हर किसी का काम एक ही रहेगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम जब ये चार चीज से पता कर पाएंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो हम इसी चीज को यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट डेप्थ अलग हो गया, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम का रोल हम आगे इसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे कभी लाइव मार्केट में सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस पहले एक एक करके हम यहां पर सीखेंगे वाई क्या होता है, ठीक है, और इसके बाद भी एलटीपी ये सब क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लॉन्ग बिल्डअप का कैसे पहचानेंगे, शॉर्ट बिल्डअप कैसे पहचानेंगे, शॉर्ट कवरिंग कैसे पहचानेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान देना है कि जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, पूरे ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है, हमको जो ऑप्शन सेलर के नजरिए से मार्केट को देखना है, ठीक है। ऑप्शन सेलर जो सोच रहा होगा, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा मार्केट में, उसको ही हमें देख के करना है, ठीक है। तो देखो, एक होता है ऑप्शन सेलर होता है और एक होता है ऑप्शन बायर होता है, ठीक है। अगर आप बुलिश हैं तो ऑप्शन सेलर क्या करेगा, पुट को सेल करेगा, ठीक है, पुट को क्या करेगा, सेल करेगा। वही अगर ऑप्शन बाय रहेगा, वो क्या करेगा, सी बाई करेगा, ठीक है। अगर हम बेरिश हैं तो ऑप्शन सेलर क्या करेगा, सी सेल करेगा। सी सेल करना मतलब वो बेरिश उसका सोच है। वही अगर हम ऑप्शन बाय रहे तो हम क्या करेंगे, पुट बाई करेंगे, ठीक है, पुट बाई करेंगे। सेलर सेलर जो सोचेगा, हमको उसको ही फॉलो करना है, इसको भूल जाना है, क्योंकि ठीक है, सेलर को फॉलो क्यों करना है, ध्यान देना, जब भी आप एक लॉट सेल करने जाते हो, ठीक है, एक लॉट सेल करने जाते हो, तो यहां पर सेलिंग में 1.5 से 2 लाख रुपए लगते हैं सेल करने के लिए। वहीं जब अगर आप बाई करने जाते हो, तो बाई में 8 से 10 हजार में एक लॉट बाई हो जाता है। तो कोई एक लॉट का 1.5 लाख 2 लाख दे रहा है, कोई 8 हजार 10 हजार दे रहा है, तो बड़ा कौन हुआ यहां पर, ठीक है, सेलर। क्योंकि सेलिंग जो होती है, स्क्रिप्ट राइटिंग जो करते हैं वो लोग बड़े प्लेयर करते हैं, तो हम इनको फॉलो करेंगे। क्यों, क्योंकि बड़े प्लेयर जो होते हैं, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, ऑपरेटर हो सकता है, FII DII हो सकते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशनल हो सकते हैं। इनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेंड को मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इनको ही फॉलो करना है, ठीक है, ऑप्शन बायर को नहीं फॉलो करना है। तो कुल मिला के हमको ये देखना है कि सेलर पुट बेच रहे हैं, सेलर कॉल बेच रहे हैं, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट में। तो ये जो ऑप्शन चेन का डेटा है, ये ऑप्शन चेन का डेटा हमको सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो ओआई होता है क्या होता है, एक होता है ऑप्शन सेलर, अभी हमने डिस्कस किया, एक होता है ऑप्शन बायर, ठीक है। ओआई क्या होता है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब अगर सेलर अगर अगर आप बुलिश हैं तो आप क्या करेंगे, सी बाई करेंगे। ऑप्शन बायर हैं आप यहां पे, तो सी बाई करेंगे। मतलब अगर आपने सी बाई किया है तो सेलर ने आपको सी को सेल किया है। अगर ऑप्शन बायर पुट बाई कर रहे हैं, इसका मतलब सेलर, ठीक है, उसको पुट बेच रहा है। क्लियर हुआ। अगर आप ऑप्शन बाई कोई करेगा तो कोई उसको बेचेगा, जो बेचेगा, ठीक है, हमें उसको फॉलो करना है। जैसे मान चलिए कि हमको 10 पेन बेचना है आपको, ये हमारी दुकान है, तो दुकानदार आपको 10 पेन बेचेगा, तो वही 10 पेन जो खरीदेगा, मतलब क्या हो गया, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम 10 पेन आपको बेच रहे हैं, ठीक है, इस प्रीमियम पे। इस तरीके से हमें सेलर को ही फॉलो करना है। सेलर मतलब ये देखेंगे कि सेलर ने कॉल बेच रहे हैं, सेलर पुट बेच रहे हैं, तो ये जो ओपन इंटरेस्ट होता है, ये पूरा सेलर के हिसाब से देखेंगे हम, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, सेलर और बायर के बीच में कितना कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे मान के चलिए 41,000 पे यहां पर 1,53,191 ओआई यहां पर बना हुआ है, मतलब ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि सेलर और बायर के बीच में 1,53,191 यहां पर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। अब ये इसको हम इस नजर से रीड करेंगे कि सेलर ने इतना कॉल बेचा है, बस
कोई अगर कॉल खरीदा है तो किसी ने बेचा होगा, तो जो बेचा होगा उसके नज़र से देखेंगे। मतलब क्या है, हम देखेंगे यहाँ पर सेलर ने इतना कॉल बेचा है, 111,000 सेलर ने कॉल बेचा है, 129,000 यहाँ पर सेलर ने कॉल बेचा है। तो जब सेलर कॉल बेच रहे हैं तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, मार्केट में बेरिश होना रहेगा। ठीक है, इधर सेम देखेंगे कि सेलर इधर क्या कर रहे हैं, जो भी ओआई बना हुआ है मतलब क्या कर रहा है, पुट साइड का डेटा है, इधर कॉल साइड का डेटा है, तो सेलर इधर पुट बेच रहे हैं। तो जो भी ये ओआई बना होगा इस स्ट्राइक प्राइस पे सेलर पुट बेच रहे हैं, इधर ओआई जो बनेगा इस स्ट्राइक प्राइस पे सेलर कॉल बेच रहे हैं। तो हमें सेलर के नजरिए से देखना है। तो कॉल बेचना मतलब बेरिश होना, पुट बेचना मतलब बुलिश होना। ठीक है, तो सेलर के हिसाब से हम यहाँ पर देखना है, ये पूरा सेलर का डेटा हम यहाँ पर रीड करेंगे। अब आप ये पूछोगे कि सेलर का डेटा है तो ऑप्शन बायर का डेटा कहाँ चला गया। ठीक है, तो पहले हमने आपको बताया कि सेलर और बायर के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर 41,000 पे यहाँ पर 153,000 यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है तो इसका मतलब बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। तो यही हो जाएगा कि बायर्स ने इतना कॉल बाई किया है, तो कोई बाई किया होगा तो किसी ने सेल किया होगा, तो सेलर ने भी इतना सेल कर दिया है। ठीक है, तो हमको इस पे ना ध्यान नहीं देना, हमको देना है कि सेलर ने कितना बेचा है इसको, मतलब सेलर ने इतना कॉल बेचा है, तो ये ओआई सेलर का हिसाब से हम देख लेंगे। क्लियर हुआ। चलिए, अब ये हो गया कि जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और हम देखेंगे कि सेलर ने इतना कॉल बेचा है। कॉल बेचने को बोलते हैं कॉल राइटिंग, ठीक है, सी राइटिंग। पुट बेचने को बोलते हैं पुट राइटिंग। कभी भी अगर हम वर्ड यूज करेंगे कि कॉल राइटिंग हुई है, पुट राइटिंग हुई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, कि सेलर ने कितना कॉल बेचा है मतलब कॉल राइटिंग, सेलर ने कितना पुट बेचा है मतलब पुट राइटिंग। ठीक है, अब ये जो ओआई है ये पूरा अपना कॉल साइड का है, इधर ओआई है जो पूरा पुट साइड का है। ठीक है, अब ये जो चेंज इन ओआई है ये क्या होता है, ये तो टोटल ओआई हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये चेंज इन ओआई क्या होता है, अभी मार्केट बंद है, जब हम आपको अभी सिखा रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, जब मार्केट चालू होगा लाइव मार्केट में तो ये चेंज होता रहेगा। तो लाइव में कितने लोग यहाँ पर कितना कॉल राइटिंग ऐड हो रही है, ठीक है, कितने लोग ऐड हो रहे हैं, कितना निकल रहा है, 64,000 से अब 70, 80, 90 ऐसा यहाँ पर होना शुरू हो गया, 64,000 से ये घटना शुरू हो गया 50, 40, 30। तो मतलब यहाँ पर इंट्राडे पे कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, ओआई में जो बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है उसमें कितना चेंजेस हो रहा है इंट्राडे पे। अगर ये लाइव मार्केट में देखेंगे 64 से अगर घटना शुरू हो गया, 50 हो गया, 40 हो गया यहाँ पर चेंज इन ओआई, तो हम क्या समझेंगे कि कॉल राइटर निकल रहे हैं। ठीक है, अगर यहीं पर 64,000 से 70,000 हो गया, 80,000 हो गया, इसका मतलब कॉल राइटर ऐड हो रहे हैं। तो इंट्राडे में कितना चेंज होता है, ऐड होते हैं, निकलते हैं, वो ये में चेंज इन ओआई में दिखता है। तो अगर कॉल राइटर निकल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उनको कहीं ना कहीं डर है कि हमने कॉल राइटिंग जो किया है, मतलब हमने एक जो बेरिश ट्रेड लिया है, कॉल राइटिंग करना मतलब एक बेरिश ट्रेड लेना, कॉल को बेचना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था मार्केट में कि मार्केट नीचे आएगा, लेकिन वो निकलना शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मार्केट इसको ब्रेक करने वाला है, वो बुलिश होने वाला है। अगर यहीं पर ऐड हो रहे हैं यहाँ पर इंट्राडे में, तो कहीं ना कहीं उनको ये मतलब कि सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि और पोजीशन बढ़ा रहे हैं, कॉल राइटिंग और कर रहे हैं, इसका मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट में क्या रहेगा, मार्केट बेरिश रहेगा। इसके पहले स्टार्टिंग में जब शुरुआत की होगी आप, तो आप ये देखते रहोगे कि ज़्यादा लोग कॉल ले रहे हैं तो मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ज़्यादातर लोग पुट ले रहे हैं तो मार्केट नीचे क्यों नहीं जा रहा है। तो इसका रीज़न यही है कि अगर ज़्यादातर लोग कॉल ले रहे हैं तो इसका मतलब कोई उनको कॉल बेच रहा है, और जो बेच रहा है मार्केट उनके हिसाब से ही चलेगा। अगर ज़्यादातर लोग अगर पुट ले रहे हैं, मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, इसका रीज़न यही है कि जो लोग पुट बाई कर रहे हैं उनको कोई पुट बेच रहा है, तो जो पुट बेचेगा मार्केट उनके हिसाब से चलेगा, हमें उनके हिसाब से देखना है। पुट को बेचना मतलब मार्केट बुलिश होना, कॉल को बेचना मतलब मार्केट बेरिश होना। ठीक है, तो ये चेंज इन ओआई जो हो जाएगा इंट्राडे पे हो जाएगा। इसके बाद जो ये एलटीपी है ये अपना हो जाएगा, आपका प्रीमियम हो जाएगा। ये जो चेंज है प्रीमियम में कितना चेंजेस हो रहा है उस दिन, जैसे 90 रुपये पे प्रीमियम था इसका, 3 रुपये इसका घट गया। ठीक है, ये 57 रुपये था तो 10 रुपये लगभग घटा हुआ है इसका, 9 रुपये 50 पैसे। तो इंट्राडे पे कितना प्रीमियम कम हो रहा है, एड बढ़ रहा है, ये चेंजेस देखते हैं हम। इन्हीं चार्ट से हम पता कर पाएंगे मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट बिल्डअप है, या फिर शॉर्ट कवरिंग है, इसको अभी आगे हम समझते हैं। इसी तरह पुट साइड का डेटा ओआई हो गया, चेंज इन ओआई हो गया, और अपना चेंज इन प्राइस हो गया, ठीक है, एलटीपी हो गया, चार चीज से हम पता करेंगे। अब एक चीज आप नोटिस करोगे कि चलो ये ओआई जो है पूरा ये कॉल का डेटा है, इधर पुट का डेटा है, लेकिन एक तो डार्क है, एक तो व्हाइट है, एक व्हाइट है, डार्क है, इसका मतलब क्या हो गया।
ठीक है। अब आते हैं स्ट्राइक प्राइस पे, ये सब सारे स्ट्राइक प्राइस हैं आपके, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस देखते हैं, बैंक निफ्टी में 100 का रहता है, निफ्टी 50 में 50 50 का, 41,100, 40,900, 40,800, 41,100, 41,200, 41,300, ये सारे स्ट्राइक प्राइस हैं। अब स्ट्राइक प्राइस में एट द मनी होता है, इन द मनी होता है, आउट ऑफ द मनी होता है, क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहीं से ले लीजिए, अगर मान के चलिए बैंक निफ्टी यहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा एट द मनी, मतलब कि एट इस टाइम पर कहाँ पर रुका हुआ है, किस प्राइस पर रुका हुआ, एट द मनी हो गया। अगर हमको लगता है मार्केट बुलिश हो जाएगा, तो ये सब जो सारे स्ट्राइक प्राइस रहेंगे 41,200, 300, 400, 500, 600, ये सारे हमारे OTM हो जाएंगे, आउट द मनी हो जाएंगे। इसके नीचे जब आएंगे तो 40,800, 40,600, 40,400 हमारे लिए क्या हो जाएंगे, ITM हो जाएंगे, इन द मनी हो जाएंगे, जब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा मार्केट में, मतलब कि बुलिश होना, मतलब जब हम सी के लिए जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब सारे स्ट्राइक प्राइस हैं। जैसे आप किस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेते हैं, पुट ऑप्शन लेते हैं, तो स्ट्राइक प्राइस इस तरीके से हम देखते हैं। वहीं अगर हम चार्ट पे आते हैं, ये चार्ट पे आ गए, ये सब सारे स्ट्राइक प्राइस हो गए, तो वही अब हमारे लिए कॉल साइड का इन द मनी कौन सा होगा, आउट ऑफ द मनी कौन सा होगा, पुट साइड में हमारे लिए इन द मनी कौन सा होगा, आउट ऑफ द मनी कौन सा होगा। तो ये जो डार्क वाला पोर्शन है कॉल साइड के लिए इन द मनी हो जाएगा ITM, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है कॉल साइड के लिए OTM हो जाएगा, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है OTM हो जाएगा पुट साइड के लिए, ये जो डार्क वाला पोर्शन है ये ITM हो जाएगा, ठीक है, पुट साइड के लिए। और यहाँ पर अभी तत्काल में जहाँ पर रुका हुआ है ये हमारे लिए एट द मनी हो जाएगा बैंक निफ्टी, ठीक है, ऐसे निफ्टी का भी देख लेंगे। ले रुआ, तो जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो OTM हो गया, जो डार्क वाला पोर्शन है वो इन द मनी हो गया, ठीक है, और जहाँ पर अभी रुका हुआ है वो एट द मनी हो गया। हमको जो एनालिसिस करना है वो व्हाइट वाले पोर्शन पे करना है, क्योंकि मार्केट को यहाँ अभी जाना बाकी है। ये जो इन द मनी वाला पोर्शन है यहाँ से निकल चुका है, यहाँ से निकल चुका है, तो हमें इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मार्केट को कहाँ जाना बाकी है अभी, हमको वहाँ पर एनालिसिस करना है और उस पर्टिकुलर एरिया में सेलर क्या सोच रहे हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें उसको रीड करना है ऑप्शन चेन के डेटा पर, ठीक है। तो हमको एनालिसिस करना है OTM पे, व्हाइट वाले पोर्शन पे, ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए, अब पहला चीज ये आपको समझना है कि जो कॉल हो गया, तो जिस स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा कॉल राइटिंग है हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो कॉल साइड हम क्या देखते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं। जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। तो पुट साइड हम क्या देखते हैं, सपोर्ट देखते हैं। अब OTM में हमको एनालिसिस करना है, OTM में सबसे ज्यादा 111,000 यहाँ पर बना हुआ है, तो हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि कॉल यहाँ पर बेचा गया है तो रेजिस्टेंस रहेगा। ये 1,00,000 यहाँ पर हमारे लिए R2 हो गया, 1,17,000 हमारे लिए R3 हो गया। तो जिस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल बेचा गया है सबसे ज्यादा, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा पुट बेचा गया है हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा, S1। इसके बाद फिर यहाँ पर 93 दिख रहा है तो S2 मान लेंगे इसको, यहाँ पर हम S3 मान लेंगे, सपोर्ट 3। तो जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा पुट बेचा जाएगा हमारे लिए सपोर्ट, पुट अगर कोई बेच रहा है तो मतलब वहां से उसको बुलिश होना है। हमको ये नहीं देखना है कि भाई यहाँ पर 138,000 लोगों ने पुट खरीदा हुआ तो मार्केट नीचे आएगा, नहीं, हमारे लिए सपोर्ट बनेगा, क्योंकि किसी ने इसको पुट बेचा है, सेलर ने पुट बेचा है, तो सेलर का पूरा मार्केट रहेगा, क्योंकि वो स्क्रिप्ट राइट करते हैं, बड़े प्लेयर हैं, हमको उनको फॉलो करना है, ठीक है। तो कॉल साइड में रेजिस्टेंस, पुट साइड में सपोर्ट। इसके बाद आप टोटल भी यहाँ पर देख सकते हैं, अगर टोटल कॉल यहाँ पर 1,500,000 है, 73,046, टोटल पुट राइटिंग यहाँ पर कितना है, 1,917,000, ज्यादा क्या राइट किया गया है, पुट राइट किया गया है, कितना, 4,00,000 ज्यादा पुट राइट किया गया है, इसीलिए आज मार्केट था बुलिश हो गया था, क्योंकि ज्यादा पुट राइटिंग हो रही थी, ठीक है। अब आप देखोगे कि ज्यादा लोगों ने पुट लिया है तो मार्केट नीचे क्यों नहीं आया, ऊपर क्यों गया आज, क्यों, क्योंकि ज्यादा पुट राइटिंग हुआ था भाई, क्योंकि ज्यादा पुट सेल किया गया था। हमको यहाँ पर सेलर के हिसाब से देखना है कि पुट बेचा जा रहा है मतलब बुलिश होगा, अगर कोई खरीदा है इतना पुट तो कोई बेचा होगा, तो जो बेचा होगा हमको उसके नजर से देखना है, सेलर अगर पुट बेच रहा है तो बुलिश होगा, ठीक है, ऑप्शन बायर को ध्यान नहीं देना है इस तरीके से। अब चलिए हम आज आप दो चीज सीखेंगे, लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप। इसके बाद कल हम सीखने वाले हैं शॉर्ट कवरिंग और इसके बाद लॉन्ग लिक्विडेशन, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है और उसको चार्ट पे कैसे रीड करेंगे। लॉन्ग बिल्डअप पहले हम प्राइस एक्शन पे सीखेंगे, ठीक है। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब क्या होता है चार्ट पर समझना कि लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप का मतलब ये होता है कि कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है या फिर पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है या फिर पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब ये होता है कि नई पोजीशन, ठीक है, मार्केट में बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं,
कॉल मतलब कि राइटिंग ना करके, ठीक है, वहां पर कॉल साइड में अगर लॉन्ग बिल्डअप होगा, एक देखो एक तो सी साइड में लॉन्ग बिल्डअप हो सकता है, एक तो पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हो सकता है। अगर जब हम पहचान लेंगे कि कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि लोग कॉल, बड़े प्लेयर कॉल राइटिंग नहीं कर रहे हैं, यहां पर नई पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं और लॉन्ग बना रहे हैं सी साइड में, मतलब वो कॉल बाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो कभी अगर पुट साइड में लॉन्ग बन रहा है, इसका मतलब पुट राइटिंग ना करके वो पुट में लॉन्ग बना रहे हैं, मतलब पुट बाई कर रहे हैं, इसलिए पुट में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हो रही है। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये हो जाएगा कि मार्केट बियरिश रहेगा अगर पुट में लॉन्ग बनेगा, अगर कॉल में लॉन्ग बनेगा तो मतलब मार्केट बुलिश हो जाएगा। लॉन्ग बनने का मतलब यही होता है। अभी देखो परिभाषा क्या है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा, हमको सिर्फ जाना है ऑप्शन चेन में और चार्ट पे आना है, बस ये पता कर लेना है कि कॉल में लॉन्ग बन रहा है कि पुट में लॉन्ग बन रहा है, और इसकी परिभाषा क्या है, कैसे है, ये थोड़ी आप यूज करोगे। बाकी आपके नॉलेज के लिए जितना मुझे पता है आपको उतना बता रहे हैं कि सी में अगर लॉन्ग बनेगा इसका मतलब नई पोजिशन एड हो रही है, वहां पर कॉल बाई किया जा रहा है। पुट में अगर लॉन्ग बनेगा तो इसका मतलब कि पुट में नई पोजीशन ऐड हो रही है और पुट बाई किया जा रहा है। अब ये पहचानेंगे कैसे कि कॉल बाई किया जा रहा है बड़े प्लेयर द्वारा या फिर पुट बाई किया जा रहा है बड़े प्लेयर द्वारा, ये हम पहचान पाएंगे ऑप्शन चेन को रीड करने के बाद। ऑप्शन चेन में अब हमारा पहला टॉपिक होगा कि लॉन्ग बिल्डअप कैसे पहचाने, ठीक है। तो लॉन्ग बिल्डअप पहचानने के लिए हमको सिर्फ ओटीएम में एनालिसिस करना है, हमने पहले ही डिस्कस किया, ओटीएम में चेक करना है, व्हाइट वाला पोर्शन ओटीएम में है। अब ये देखेंगे कि कॉल में लॉन्ग बन रहा है कि पुट में लॉन्ग बन रहा है, कैसे पहचानेंगे। तो हम यहां पर चेंज इन ओआई और चेंज इन प्राइस से, इन्हीं दोनों कॉलम से हम पता कर पाएंगे कि मार्केट में क्या होने वाला है, सिर्फ ये दो कॉलम से, ठीक है। ओटीएम में आएंगे, जहां से वाइट वाला शुरू होता है यहीं से एनालिसिस करना शुरू करना है हमको। अब ओटीएम में देखेंगे कि नोट करिए फटाफट, अगर चेंज इन ओआई अगर पॉजिटिव में दिखेगा आपको यहां पर, ठीक है, ये देखिए पॉजिटिव में कैसे दिखेगा, ऐसा 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 ऐड होता रहेगा यहाँ पर 37,000 से 40, 50 इस तरीके से, ये इस तरीके से रहेगा, मतलब पॉजिटिव में रहेगा। अगर माइनस में होना होगा तो इस तरीके से माइनस शो करेगा अभी, ठीक है। अगर तो जब भी हम बोलेंगे कि अगर चेंज इन वाई पॉजिटिव में है तो इस तरीके से देखना है, जैसे अभी ये है, ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव मान लेंगे। अगर बोलेंगे नेगेटिव में होगा तो इस तरीके से नेगेटिव में आपको दिखेगा, ओटीएम में ही देखना है बस हमको, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन वाई क्या है, पॉजिटिव में दिख रहा है हमको। इसके बाद हमको क्या देखना है, चेंज इन प्राइस देखना है। चेंज इन प्राइस हमको यहाँ पर माइनस में, सारे माइनस दिख रहे हैं, तो इसका मतलब हमको यहाँ पर पता चल जाएगा कि माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले दिख रहे हैं लॉन्ग बिल्डअप, तो जब लॉन्ग बिल्डअप होगा तो ये जो चेंज इन प्राइस है ये ग्रीन में रहेगा, क्या रहेगा, ग्रीन में रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये पॉजिटिव में है। जैसे ये ग्रीन में है ना, ऐसे ओटीएम में भी ग्रीन में रहेगा। तो जब कभी अगर ऐसा सिनेरियो देखने को मिले कि हमारा चेंज इन प्राइस प्लस में है और हमारा ओटीएम में चेंज इन वाई प्लस में है और चेंज इन प्राइस हमारा प्लस में है, तो इसका मतलब लॉन्ग पोजीशन बन रही है और मार्केट बुलिश होने वाला है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप नहीं शो हो रहा है बैंक निफ्टी में। अब वही आते हैं पुट साइड में, तो पुट साइड में भी चेंज इन प्राइस देखेंगे तो ओटीएम में सब माइनस में है, ठीक है। इसके बाद फिर जो चेंज इन ओआई है, ठीक है, इसके बाद यहां से आप देख रहे हैं सब प्लस में है और इसके बाद यहां से माइनस में है, ठीक है, यहां से माइनस में है। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां तक जो है, अभी अभी आपको शॉर्ट बिल्डअप समझाएंगे, ठीक है, अभी लॉन्ग बिल्डअप देख रहे हैं। तो लॉन्ग बिल्डअप के लिए पुट साइड में ये ग्रीन में होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव हम मानेंगे, और ओपन इंटरेस्ट यहां पर प्लस में होना चाहिए। तो यहां पर तो ओपन इंटरेस्ट प्लस में है यहां तक 40,000 तक, लेकिन प्राइस माइनस में है, तो यहां पर कुछ और ही हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप नहीं हो रहा है। अब इसको एग्जांपल देखते हैं निफ्टी में। निफ्टी में आज लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था, ठीक है, आज डेट है 5 अप्रैल 2023। तो ठीक है, ये वीडियो कोई बाद में भी कभी देखोगे तो आपको फिर बाद में आप देख सकते हो उसको। निफ्टी देखते हैं, निफ्टी में आज देखिए मॉर्निंग से ही लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था,